कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई घटना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले में पीसीसी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट भेजने की बजाय पीसीसी की तरफ से सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। राधिका को शुक्रवार की शाम पीसीसी कार्यालय बुलाया गया था, जहां उन्होंने पीसीसी चीफ के समक्ष अपनी पीड़ा को बताया। विवाद के बाद शुक्रवार देर शाम राधिका खेड़ा अपनी मां के साथ पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। कांग्रेस भवन के बाहर मीडिया से जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरूर बात करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि बात कर सकूं, मीडिया ने बहुत साथ दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरूर बात करूंगी। इसके बाद राधिका सीधे पीसीसी चीफ दीपक बैज के कमरे में पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। वहीं इस मामले में आरोपों से घिरे प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कार्यालय में ही अपने कक्ष में बैठे रहे। करीब एक घंटे की बैठक के बाद राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन से निकलकर चली गई। जाते जाते उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने अपनी पूरी बात प्रदेश अध्यक्ष को बता दी है, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। प्लीज जब टाइम आएगा मैं सबसे बात करूंगी, अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ये नैतिक तरीका नहीं है कि मैं आपके सामने में हूँ, यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी आपसे बात, मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है, इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं, जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। मैं मीडिया के किसी सवाल से भाग, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई नहीं, सलाह की कोई सलाह, मैं आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं।